नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। सचिन के प्रेम में सीमा ने न केवल अपनी समाज की सीमा लांघ दी, बल्कि ने धर्म के साथ साथ पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा को लांघते हुए नेपाल की सीमा पार कर भारत आ गई। सीमा हैदर ने भारत के सचिन से हिंदू रीति रिवाजों में विवाह भी किया। अब वह भारत में ही रहना चाहती है। सीमा को लेकर पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। कई संगठन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर भी अत्याचार कर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहे, लेकिन सीमा हैदर भारत में पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार में 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से आई। महिला सीमा हैदर ने रविवार को तुलसी पूजन किया। सीमा ने गले में राधे राधे का पट्टा डाला हुआ था। सीमा और उसके बच्चे जय श्री राम के जयकारे लगाते दिखे। पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार में 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से रबूपुरा पहुंची सीमा हैदर की हिंदी भारतीय पहनावे और पूजा पाठ की जानकारी से स्थानीय निवासी हैरान है। रविवार को सीमा ने तुलसी पूजन किया। विगत दिनों सीमा ने तुलसी पूजन किया। उसने गले में लाल रंग का राधे राधे लिखा स्कार्फ पहनकर माता तुलसी को जल चढ़ाया। सीमा कहती है कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्में खूब देखी जाती हैं। वह मोबाइल पर फिल्में देखती है, इससे उसे हिंदुस्तान के पहनावे और तौर तरीके की बखूबी जानकारी है। उसने तेनाली राम सीरियल देखकर अच्छी हिंदी बोलना सीखी है। सीमा ने बताया कि नेपाल में 7 दिन तक सचिन के साथ समय बिताने के दौरान बॉलीवुड फिल्मों के गीतों पर उसने लगभग 100 रील्स बनाई थी। इधर सचिन के परिजन सीमा का धर्म परिवर्तन कराने की औपचारिकताओं के संबंध में जानकारों से सलाह ले रहे हैं। सचिन मीणा के घर दूसरे दिन भी मीडिया कर्मी और सीमा हैदर से मिलने वालों का जमावड़ा लगा रहा। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में विदेश में बैठे लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके चलते मीडिया कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में यूट्यूबर भी रबूपुरा पहुँच कर सीमा और सचिन से मुलाकात कर रहे हैं। सतना स्टार विंध के सभी क्षेत्रों में संवाददाता और ब्यूरो चीफ नियुक्त करने जा रहा है। यदि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये मौका आपके लिए है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना के लोग हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।